जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस की तरफ से इस कल्चरल बोनांजा में आप सबका खैर मकदम है। ये पल, ये घड़ियां, ये वक्त हमारे लिए बेशकीमत है, कीमती है, क्योंकि आज इस वक्त हमारे साथ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी तशरीफ रखे हैं। इस हकीकत से भला कौन करेगा इनकार, तो ही फूलों को तबस्सुम की अदा देता। श्री मनोज सिन्हा जी से गुजारिश करूंगा कि कांगड़ी में इस पर डालें। एजाज साहब आप भी कल्चर एकेडमी प्रोग्राम करती रहती है। आज का जो प्रोग्राम है इसको हमने एक फेस्टिवल की शेप देने की कोशिश करी है, और जो कल्चर एकेडमी का मैंडेट है उसके हिसाब से हमने पिछले कुछ पीरियड से तीनों शोबों में, जो लिटरेचर का है, फाइन आर्ट्स का है, या हमारा जो ये है थिएटर का है, सभी में हम एक्टिविटीज़ जो है मतलब इक्वल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की है, और जम्मू और श्रीनगर सिटीज से बाहर निकलकर दूर दराज इलाकों में हमने प्रोग्राम किए हैं और कर रहे हैं। मैं कुछ शेयर कर सकता हूं आपके साथ कि हमने पिछले दिनों एक प्रोग्राम कश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में Thank you.
ये था गुलदस्ता, मुझे उम्मीद है आप सब महसूस में होंगे। तो जोरदार तालियां इन सब के लिए, इतने कम समय में इतने सारे आर्टिस्ट जमा करना और उनसे इस तरह की परफॉर्मेंस लेना। गवर्नर साहब की इज्जत अफजा, गवर्नर साहब को पेश किया जाए। अब इज्जत मुआब लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी और सेक्रेटरी कल्चर अकेडमी भरत सिंह मन्हा जी के हाथ में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सभी कलाकारों का मैं विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। साथियों, किसी भी समाज के विकास का आधार कला एवं कलाकार ही होते हैं। समाज की मूल आत्मा जो उसे आगे बढ़ने की ऊर्जा देती है वो सदियों की साधना से निर्मित की गई संस्कृति ही होती है। ये सच है कि हर एक व्यक्ति के भीतर सृजनात्मक क्षमता होती है, लेकिन कुछ ऐसे बिरले साधक होते हैं जो कला संस्कृति की साधना की उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां उनके और ऋषि सूफी फकीरों के बीच कोई विशेष भेद नहीं रह जाता। और इसीलिए कला की विधा कोई भी हो, उसकी सृजनात्मकता से समाज में नए जीवन की उत्पत्ति होती है, राष्ट्र में जीवंतता पैदा होती है और नागरिकों में भी नई ऊर्जा का जन्म होता है। अभी दो दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा शांति निकेतन, जो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित एक शिक्षण संस्थान है। शांति निकेतन को यूनेस्को की हेरिटेज साइट की श्रेणी में शामिल किया गया है। रात में जब मैं उस खबर को पढ़ रहा था तो मुझे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की कही हुई बात, लोग कहते हैं कि जिस क्षण गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के भीतर अकस्मात कविता निकलती थी उस समय वो बिल्कुल शांत हो जाते थे। कई बार तो उन्हें खाने पीने की भी सुध नहीं रहती थी, और इसलिए अगर आप उनके शब्दों को न देख कर उसकी गहराई को महसूस करें तो लगता है जैसे किसी सूफी किसी ऋषि मुनि ने एनलाइटमेंट की अवस्था में उसे गुनगुनाया। उनकी एक कविता है, बंगला में है, दो पंक्तियां मैं उद्धृत करूंगा। आमी हवना तापस सामान्य जनजीवन में परिवर्तन लाकर, और दूसरा माध्यम कला है और कला से भी एक बड़ा सृजन होता है। सृजनात्मकता दोनों में है, दोनों का अपना महत्व है। इसलिए भारतवर्ष ने हमेशा इस बात पर बल दिया है कि हमारी संस्कृति में जितनी बाहर की खोज हो रही है उतनी ही प्रत्येक मनुष्य के भीतर की भी खोज होनी चाहिए। हम चांद पर पहुंच गए हैं, वहाँ हिंदुस्तान का तिरंगा लहरा चुके हैं। इस गौरवमय क्षण में हमें ये भी याद रखना होगा कि सदियों से चांद के प्रति आकर्षण पैदा करने का जो काम हुआ
पहले किसी कवि ने ही उसी के हृदय से प्रस्फुटित हुआ। तमाम विविधताओं को अपने में समेटे हुए जम्मू कश्मीर ने एकता की ताकत से राष्ट्र के मुकुटमणि होने का गौरव प्राप्त किया। मैं मानता हूं कि एक साजिश के तहत उस जीवंतता उस ऊर्जा को समाप्त करने के सुनियोजित प्रयास किए गए और उसका नतीजा हम सबके सामने 3 दशक से भी लंबे समय तक समाज यहाँ कैसे जी रहा था जैसे शरीर में प्राण ही न हो। उसका कारण यही था कि समाज को कला संस्कृति का जो ऑक्सीजन मिलता था वो बंद कर दिया गया। पिछले कुछ वर्षों में मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर की कला संस्कृति के लिए निश्चित रूप से एक अच्छी शुरुआत हुई है। हम सौभाग्यशाली हैं कि भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसी व्यवस्था तैयार की है कि समय का वर्तुल पूरा हो गया है और जम्मू कश्मीर में फिर से वही हवाएं चल पड़ी हैं, वही वातावरण पैदा हो रहा है जिसने इसे प्राचीन समय से धरती का स्वर्ग बनाया हुआ है। मैं कह सकता हूं कि आज बेहतर संसाधनों और कल्चर डिपार्टमेंट और भरत सिंह जी जो बता रहे थे पहले से अधिक माकूल व्यवस्था बनाने में सफलता मिली है जिसकी वजह से कला के विभिन्न स्वरूपों को खिलने का अवसर मिलने लगा है। चाहे लोक कलाओं का संरक्षण हो संवर्धन हो थिएटर की शुरुआत हो कवियों शायरों की महफिल हो नृत्य की विभिन्न कलाओं का प्रमोशन हो पेंटिंग हो हर क्षेत्र में निरंतर आयोजन हो रहे हैं। तमाम इंटरवेंशंस के द्वारा झेलम का किनारा अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए अनेक नौजवान बच्चे और बच्चियां मिल जाते हैं। इसे मैं जम्मू कश्मीर में बह रही नई बयार का प्रतीक मानता हूं। देश के अन्य राज्यों से आ रहे लोग भी इस बदलाव को देख रहे हैं महसूस कर रहे हैं। जब संस्कृति ऊर्जावान होती है तो वह लोगों को जोड़ती है। इस राष्ट्र के दिलों को जोड़ने और जम्मू कश्मीर की अस्मिता को जीवंत रखने की बहुत भारी जिम्मेदारी कलाकारों पर है। उनकी कलात्मक क्षमता को अवसर और संसाधन मिले इसके लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन हर प्रकार का प्रयत्न भी करेगा और अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराएगा। मैं एक बार सुना लोक उत्सव पास में मुझको यही लगता है कि तुम हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय हिंद। जैसे आपको पता है कि कल्चरल अकेडमी पिछले कुछ वक्त से मतलब मेन जो हमारी सिटीज़ हैं जम्मू की या श्रीनगर की इनसे हम बाहर निकलकर दूर दराज इलाकों में प्रोग्राम कर रहे हैं और कश्मीर डिवीज़न में अगर आप देखें तो हमने तकरीबन 9 डिस्ट्रिक्ट्स कवर कर लिए हैं अभी तक जो हमने कल्चरल फेस्टिवल करें। तो एक डिस्ट्रिक्ट अभी पेंडिंग है वो भी हम इसी मंथ के एंड में कर लेंगे। हमें कुलगाम का ज़िला अभी पीछे है तो वो प्रोग्राम हम रेगुलरली कर लेते हैं लेकिन आज हमने कोशिश की है कि इसको एक बड़ा प्लेटफार्म क्रिएट किया जाए और जो हमारे यहाँ के आर्टिस्ट हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाए कि एक बड़े प्लेटफार्म पे उनको परफॉर्म करने का एक जो सेटिस्फेक्शन होती है वो एक डिफरेंट होती है और उसी की मतलब थॉट प्रोसेस हमारा वही है कि आज हम यहाँ पर इसको एक बड़े मंच पर प्रेजेंट करें और एक थोड़ी सी इंस्पायरेशन भी इससे मिलती है आर्टिस्ट को और जो यूथ है उसको भी इसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश है कि जो हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं उनके इर्द गिर्द जो हैं हमारे छोटे आर्टिस्ट हैं उनका एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और थोड़ी सी हिम्मत बढ़ती है। हम थिएटर की एक्टिविटीज़ को भी मतलब इक्वली प्रमोट कर रहे हैं। लिटरेचर वाला पार्ट आप देखिए हमने मतलब मुशायरे जगह जगह कर रहे हैं। हुसैनी मुशायरे भी हमने किए। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हम अनंतनाग में हमने मुशायरा किया। हमने सोपोर डिग्री कॉलेज में मुशायरा किया और अभी हमने मैंने आगे कश्मीरी का जो हमारा सेक्शन है उनको मैंने हदायत दी है कि अब आप कश्मीरी के मुशायरे जो हैं उनको भी अक्रॉस वैली करो। तो कोशिश यह है कि सभी आर्टिस्ट को इंगेज किया जाए और उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ। एक हमने यहाँ उर्दू का मुशायरा किया था वो बहुत कामयाब रहा। उसमें हमने 35 साल से कम उम्र के जो बच्चे थे उन्हीं को उसमें पार्टिसिपेट करवाया और बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस हमें सोसाइटी से मिल रही है। तो हम इस मोमेंटम को जारी रखना चाहते हैं कंटिन्यू करना चाहते हैं। यही उसी की एक कोशिश है कि आज भी हमने ये प्रोग्राम रखा है यहाँ। जब आप कोई बड़ा इवेंट करते हैं तो ये हमें निकलना तो है बाहर उसमें कोई शक ही नहीं हम पहले ही निकले हैं लेकिन इस ये जो आर्टिस्ट हैं हमारे जो इनकी भी जो बाकी हमारे एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्स में जो प्रोग्राम होंगे उनको भी हम अपॉर्चुनिटी देंगे। इसमें कोई शक ही नहीं है कि हम इनको प्लेटफार्म देंगे जहां ये अपनी परफॉर्मेंसेस को प्रेजेंट करेंगे। आज उसकी एक शुरुआत करने के लिए हमने इस प्रोग्राम को आज यहाँ रखा है।
जिसकी इनाग्रेशन हम चाहते हैं कि ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी हैं जो उनके द्वारा की जाए।